नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम कब होने वाले हैं, ओमिक्रॉन का इस पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या आपका जो एग्जाम है, कहीं मेरे पास मैसेज आ रहे थे उनमें पूछ रहे थे कि क्या मैम मार्च में ही एग्जाम होंगे, तो ये सही है कि नहीं है, कब आपके एग्जाम होंगे, कितना टाइम आपके पास है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। और एक चीज और कि यहाँ पर ज्यादा कितनी मेहनत करने की जरूरत है, या कितनी परसेंटेज हमें लानी चाहिए, या हम ज्यादा एफर्ट्स सीटेट यूपीटेट पर डाले डायरेक्ट तो क्या करें, वो सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक बिल्कुल सही और ऑथेंटिक न्यूज यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर कोई भी न्यूज गलत या अपने आप से अनुमान लगाकर नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज ही यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से मिल सके और आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सके। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके एग्जाम कब होंगी, तो देखिए जनरली जो आपका शेड्यूल होता है तो उसमें बीएड के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, और वो एग्जाम आपके मई के मंथ में काउंट होते हैं। ठीक है, अप्रैल मई या जून, इन थ्री मंथ्स आपके ये होते हैं, इन तीनों मंथ में आपके बीएड के एग्जाम जो है होने होते हैं। आपके अप्रैल में भी हो सकता है, मई में और जून में, ये नॉर्मल कैलेंडर आपका होता है। लेकिन लास्ट टाइम से, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टू इयर्स से जो है कोरोना वायरस का, कोविड की वजह से काफी शेड्यूल जो है वो अपने ट्रैक से हटा हुआ है। आपके एग्जाम अक्टूबर तक जा रहे हैं, लास्ट ईयर आपका एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था, एक बार आपका एग्जाम सेप्टेम्बर में हुआ था। ठीक है, सेप्टेम्बर में आपकी डेट शीट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर प्रीपोन कर दिए गए थे जुलाई अगस्त में, तो ये सिर्फ कोविड की वजह से लेट हो रहा था इस बार। तो यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ गई है, वो है आपका जो नया वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन करके, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या कब तक पड़ेगा, आगे केसेस बढ़ेंगे कि कैसे बढ़ेंगे, तो इस पर तो अगर मैं अभी कुछ कहना चाहूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आगे का फ्यूचर क्या होगा, केसेस बढ़ेंगे, लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में इसका क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन जैसे भी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको बता दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो अपने अप्रैल मई के मंथ के अकॉर्डिंग करके चलेगा। आप ये मानकर चलेगा कि आपके एग्जाम अप्रैल में है, उसके अकॉर्डिंग आप करेगा, इससे पहले आपके एग्जाम नहीं होने हैं, ये आपका गारंटी है। मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि क्या मार्च में आपके एग्जाम होंगे, जी नहीं, मार्च में बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए, क्योंकि नॉर्मल एक जो पैटर्न है सीसीएस का वो ये है कि पहले आपके जो बीए, बीएससी, बीकॉम इनके एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन यूजी के लेवल के एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो किए जाते हैं, और लास्ट में आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि बीएड एमएड आ जाते हैं, तो इनके एग्जाम्स होते हैं। तो मार्च में तो आपके एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे, अप्रैल मई जून के मंथ में आपके कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जनवरी, फरवरी, मार्च आपके थ्री मंथ्स आपके पास है ये मानकर चलिए, और थ्री मंथ्स में आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, पढ़ना है। वो कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर हो जाती है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल मई के मंथ में आपके कभी भी हो सकते हैं, और जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑथेंटिक न्यूज हमारे पास आएगी तो वो तुरंत आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी न्यूजेस मिलती रहे। अब बात ये आती है कि आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए, बीएड की तैयारी करना जरूरी है, या फिर हम इसमें पासिंग मार्क्स लाकर भी काम चला सकते हैं, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर ध्यान दे, तो ये क्या करें क्या नहीं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो देखिए, बीएड जो है ना, मैं आपको एक क्लियर बात कह रही हूँ कि आपको बीएड जो है वो पूरा वही सीटेट यूपीटेट है। सीटेट यूपीटेट का आप सिलेबस उठाकर देख लीजिए, अपना बीएड का सिलेबस उठाकर देख लीजिए। आप अगर बीएड में आपका जो बेस है वो स्ट्रोंग हो जाता है, आप बीएड में अपना अच्छी तरीके से 100% देते हैं, मेहनत करते हैं, तो बीएड में तो आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी ही आएगी। वही सेम कोर्स आपका सीटेट यूपीटेट में होगा, तो आपको फिर बेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपना प्रैक्टिस करा सकते हैं। जब आप देखेंगे सीटेट यूपीटेट का सिलेबस, आपको लगेगा कि ये तो सारा मेरा तैयार है, बस अब तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट यूपीटेट बहुत ही आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर आप बीएड पर अगर यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, या सिर्फ यही चलता काम करेंगे कि सिर्फ पास हो जाए, इतना काम चल जाए, तो आपको सीटेट यूपीटेट में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जो टॉपिक है वो तो आपको फिर भी करने हैं, फिर भी करने हैं, अभी नहीं करने, आपको सीटेट यूपीटेट में करने पड़ेंगे। सीटेट यूपीटेट में आपके माइंड पर ज्यादा प्रेशर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का एक प्रेशर होता है कि कॉम्पिटिशन है पूरा का पूरा कि क्लियर करना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप बीएड को पूरे फोकस के साथ रखिएगा, बीएड में पूरे सारी चीजों का
सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेगा। यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपका सीटेट, यूपीटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उनमें आपको काफी हद तक सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेस सारा यही होता है आपका जो है वो बीएड का। बीएड हो या आप कोई और अदर कोर्सेज कर रहे हो जैसे कि डीएलएड, बीटीसी, तो कोई भी कोर्स कर रहे हो तो वो भी आपका जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएड में आप पूरा फोकस करो। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप सुपर टेट वगैरह में जाते हैं आगे वैकेंसी एग्जाम में, तो कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपका जो बीएड है, प्रोफेशनल कोर्स है ये, इसके वेटेज लगते हैं, परसेंटेज आपकी कुछ काउंट होकर वहां पर ऐड होती है। तो आपकी परसेंटेज जितनी हाई होगी तो वहां पर आपका वेटेज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे किसी भी जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि बीएड को इग्नोर नहीं करना है, पूरे फोकस के साथ रखना है कि आपको जो है अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना है और सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। अगर बात करें कि काम कैसे करें, इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास 3 to 4 months आपके पास है और सब्जेक्ट है आपके पास सिक्स सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में है, 6 सब्जेक्ट ही आपके जो है सेकंड ईयर में है, तो कैसे इन सब चीजों को कवर करें, कैसे हम कहां से अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज वगैरह में कुछ अटेंडिंग होते हैं, कुछ नॉन अटेंडिंग होते हैं, कुछ तो डेली क्लासेस कर रहे हैं, कहीं पर क्लासेस नहीं चल रही है, तो हर तरह का अपना जो है चलता है काम। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं, अगर आप स्पर्श क्लासेस की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्पर्श क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारा का सारा जो नोट्स वगैरह है, पीडीएफ्स है, जो आपको लेक्चर्स हैं वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे, और सेम चीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी www.sparshclasses.in। तो आपके पास यहाँ पर तीन सोर्स आपके ऐसे हो गए जहां पर आपको बीएड के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, सारे नोट्स आपके कम्प्लीटली मिलेंगे, आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज और, जब भी आप बीएड को प्रिपरेशन करें, यहाँ पर ऐसा होता है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कंसेप्ट भी समझ लिया, लेकिन उनके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं कंपैरिजन टू अदर के दूसरे पर्सन है, उन्होंने कम मेहनत की है, ठीक है कॉन्सेप्ट्स को तो समझा लेकिन कम मेहनत की है तो उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या कारण रहता है, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि वो अंडरस्टैंड तो करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, वो रटते नहीं है। सबसे पहला तो पॉइंट ये होता है कि वो किसी भी चीज को रटते नहीं है, सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, बाकी का सेम क्वेश्चन जो है अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखते हैं। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि आपको कहाँ किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है, आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होती है रिटन में, क्योंकि एग्जाम ही सब्जेक्टिव है, तो रिटन का आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रही है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा कि वांट टू ज्वाइन बीएड कोर्सेज, तो आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उन पेड कोर्सेज में क्या होगा कि डेली आपको 1 आवर की लाइव क्लास मिलती है गूगल मीट पर, लाइव वहां पर आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं आपस में, वहां पर ग्रुप्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तुरंत आप उसको पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में क्या होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, आप हमारे पास सेंड करेंगे उसको पीडीएफ को, तो हम उसको चेक करके आपको ये बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपका इसमें क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप अपने आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो गलतियां बता सकते हैं जो कि आप एग्जाम में ना करें और आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सके। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं कि लाइव क्लास मिलेगी, लाइव इंट्रक्शन मिलेगा, डेली आपके वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट आपको फीडबैक दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स वगैरह जो है हमारे चैनल पर, स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, तीनों ही जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और क्लासेस हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में कुछ टॉपिक जो अगर आपको चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको नहीं मिल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वीडियोस जो है वो जल्द ही चैनल पर लेकर आई जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।